जिनकी आज हम सीखेंगे स्टेटमेंट यार्डिंग बनाना, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए थिन वायर। देन वायर को फोल्ड करके फिर प्लाकर की हेल्प से राउंड बना के वायर को 2 times घुमा देनी है, जैसे कि कुछ इस तरह। देन हमें चाहिए व्हाइट कलर की मिनी बीट्स और गोल्डन कलर की मिनी बीट्स, तो मैंने दोनों बीट्स को मिक्स कर लिया हूँ। फिर हमें वायर में एक गोल्डन एक व्हाइट, अगेन एक गोल्डन एक व्हाइट रैंडमली इंसर्ट करती रहनी है। इसी तरह मैंने इधर 8 व्हाइट बीट्स और 9 गोल्डन बीट्स इंसर्ट किया हूँ। आप आपके चॉइस के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हो। सारे बीट्स इंसर्ट करने के बाद एक्स्ट्रा वायर को कट लगा के एंड को क्रॉप कर देनी है। इसी सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करते हुए दूसरी वायर में भी रेडी कर लेनी है। ये तो पूरा वी लग रहा है। चिंकी, ये वी लग नहीं रहा है, ये वी है। लास्ट में हमें दोनों एंड को मर्ज कर देनी है। देन फिंगर की हेल्प से प्रेस करके हल्का सा राउंड शेप दे देनी है। बस ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अभी सिर्फ इसको वेयर करने के लिए हमें चाहिए कुछ इस तरीके के इयररिंग हुप्स, बट ये नॉर्मल इयररिंग हुप से थोड़ा सा अलग है। देन इसको इयररिंग में कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देनी है। लास्ट में रबर स्टॉपर अटैच कर दो। फिर क्या, रेडी हो गई हमारी सबकी स्टेटमेंट इयररिंग। वाओ, बनाते बनाते पता ही नहीं चला ये कुछ ज्यादा ही क्यूट हो गया। आई नो, मैं इयररिंग बनाना इतने मन लगा के देख रही थी ना कि मेरी ध्यान तो पूरा का पूरा इसमें रह गई। मैं तुम वेयर करके तो आओ। ये देखो चिंकी, इयररिंग मेरे में कितनी ज्यादा सूट हो रही है ना। जब मैं इसको वेयर करके सूट कर रही थी ना, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहे थे मैं खुद बनाई हूँ। आई नो, तुम बहुत टैलेंटेड हो।